बाजरी खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, तो वो गेहूं खरीदते हैं वो जाता है एफसीआई के गोडाउन में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में यदि अनाज जाता है तो वो गांव गांव के राशन दुकान तक आता है। यदि वहां पर यदि गोडाउन नहीं भरे तो हमारी राशन की दुकान में अनाज कहां से आएगा? इसका मतलब है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आप खत्म करना चाहते हो। इसलिए किसानों के खिलाफ जो कायदे हैं उसके पहले तो कामगारों के खिलाफ भी चार लेबर कोड आ गए। इस सब का विरोध हम करते हैं। ऐसे किसानों का सवाल नहीं, आम जनता का सवाल है। संत रविदास कहते हैं कि सबको अन्न मिलना चाहिए, कोई भूखा न रहे, सबको अन्न मिलना चाहिए। और सबको अन्न मिलने का, सबको फूड सिक्योरिटी मिलने का एक ही तरीका है कि हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बचना चाहिए। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बचना चाहिए तो एफसीआई बचना चाहिए, एफसीआई बचना चाहिए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और हमारी मंडियां बचनी चाहिए। इतना ही मैं कहूंगा आप सबको। जो गांव गांव से लोग आ रहे हैं, मैं एक गीत की चार पंक्तियां सुनाऊंगा कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा लूट ले जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे किसान मजदूर मेरे गांव के। जमीन लाल सलाम।